थकन हो रही है हम लोगों को, चला नहीं जा रहा क्योंकि 5 मंजिला घर है ऊपर। इनको देखो, ये तो लग रहा है नाच रही है। देखो इंडिया मेरे व्लॉग्स देखती हैं और इनको बहुत शौक है व्लॉगिंग में आने का, है ना? आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स? अच्छा, आपको व्लॉग बनाने का शौक है। चलो ठीक है, व्लॉग बनाएंगे फिर। ठीक है, डन। और मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है अभी, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है क्योंकि आज के व्लॉग आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जो है मिलाज शरीफ में जाना है, फाला के घर, जैसे कि आप सबको पता है। इधर चिल्ला रही है। नहीं, ये आप सबको नहीं पता, आप सबको पता है कि मिलाद शरीफ का महीना है और यहाँ पर जो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है शान में हमने थोड़ी महफिल सजानी है, तो इंशाल्लाह उनके घर हम सब ने जो है मिलाद शरीफ में जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वाले व्लॉग में, तो आपको याद होगा। एनीवेज अभी सो के उठे हूँ और बेडशीट्स रूम का हाल देखें कितना ज़्यादा ख़राब हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये भी साफ करना है, इसके अलावा मैंने नाश्ता भी बनाना है। नाश्ते में आज हम आलू के पराठे खाएंगे, बहुत मज़े के लगते हैं, आप लोग भी कभी ट्राई करना। आउटफिट निकालना है इंसल का और मेरा, क्योंकि काशान नहीं जा रही। ठीक है, काशान नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो है बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियां हैं, सब आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, स्टार्ट करने लगी हूँ। और एक और बात, हो सकता है कि वहां पर भाई कैमरा लोग अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको पता है हर कोई कैमरे में नहीं आता। ठीक है, सोशल मीडिया पे हर कोई आना पसंद नहीं करता, तो इसीलिए जितने चांसेस हो सकेंगे मैं जो है वहाँ की शॉर्ट क्लिप्स वगैरह लेकर आप लोगों के साथ जरूर व्लॉग शेयर करूंगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अपन। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले रूम की सफाई करती हूँ, नाश्ते की तरफ चलते हैं, आउटफिट निकालते हैं, प्रेस करते हैं, रेडी होते हैं, मेकअप करते हैं एंड लेट्स गो कहते हैं। जी तो यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं अपने जो है पोटैटोस चेक करने आई हूँ। ये देखिए आलू मेरे उबल रहे हैं और पता नहीं ये उबले भी हैं नहीं, तो इनको हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। कम्प्लीटली कुक, ठीक है, ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। बस इसको हम जो है ठंडे होने के लिए रख देते हैं, और जो है जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैंने बनाने हैं आलू के पराठे। और उसके साथ साथ जब तक मैं सफाई कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि आपको पता है कि सफाई भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे कमरा छोड़ के नहीं जाने वाली। रूम की सफाई कर लेती हूँ, आउटफिट निकाल लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, मेक ओवर करना है अकॉर्डिंग टू मिलाज शरीफ। सो मिलाज शरीफ में जैसी ड्रेस पहनी जाती है मैं वैसी पहनूंगी, और इट्स सरप्राइज है क्योंकि मैं जो है ना रेडी होकर आपसे मिलूंगी। जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो दिखा दिया। इसके अलावा भाई एक और बात आपके साथ शेयर करनी है, दैट इज़ के भाई बहुत सारे लोग जो है मुझसे पूछते हैं रियल में भी, और कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज है क्या, आपकी जो है अर्निंग होती है, कुछ इस तरीके के हवाले से। तो मैं आप लोगों को जो है तैयार होने के बाद, अगर मुझे टाइम मिलता है तैयार होने के बाद नहीं बल्कि काम के बाद, ठीक है, काम वाम से फारिग होने के बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करूँगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अपने काम से फारिग होने के बाद सबसे पहले नाश्ता रेडी करती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, और टाइम मिलता है तो आपके साथ शेयर करती हूँ, एंड देन फिर चलते हैं रेडी होकर मिलाज शरीफ में। सो भाई काशान, आप तो मिलाज शरीफ में जाएंगे नहीं ना? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? मैं सो के उठाऊँ अभी। और काशान अभी सो के उठे, और काशान को मेरी लाइव जो इतनी पसंद आएगी, काशान का दिल नहीं चाह रहा उतारने का। आपने दिया पहनने के लिए, चले मैं आपके लिए इंशाल्लाह ऐसी शर्ट्स जो है ना लाती रहूंगी एज अ गिफ्ट। एनीवेज मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ, जब तक आप एक काम कर लेंगे, मेरा एक फेवर है आपसे। मैं एक काम ये करूंगा कि मैं नहाने जा रहा हूँ, आप मेरा एक फेवर कर दें, मेरी बेडशीट वगैरह ठीक कर दें, बाकी कमरा मेरा बिल्कुल साफ है, नीट एंड क्लीन हुआ है। ठीक है, बेडशीट मतलब ये जो है इसको सेट कर दें। और इसके अलावा जो है मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी सर्विसेज की नीड है, दैट इज ट्रू। लेकिन भाई मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती हूँ, और ये पूरा महीना निकल गया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी सर्विसेज की नोचा लेनी चाहिए। इंशाल्लाह आफ्टर सम डेज मैं जो है सर्विस व्लॉग भी बनाऊंगी, इंशाल्लाह सर्विस लूंगी बहुत सारी, क्योंकि हर लड़की को ये हक है कि वो हाउसवाइफ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मदर हो जाए, लेकिन वो जो अपने आप को मेंटेन रखे,
क्यों? सही बात है ना। तो इसीलिए भाई मैं ये कहती हूँ हर लड़की को, आई रिकमेंड कि भाई आप लोग जो है अपने आप को मेंटेन रखा करें, घर के कामों में, घर की जिम्मेदारियों में इतना ना उलझ जाए कि अपने आप को भूल जाए। हाँ ये सब करें, मैं भी करती हूँ ठीक है, लेकिन इसके अलावा अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दें, एटलीस्ट मंथ में अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि वो पूरा महीना जो है ना आपका सही चले। A few moments later. What are you doing? Oh, अल्लाह मेरा बच्चा गिर गया, क्या हुआ? इजल कलमा सुना, पहला कलमा सुना बेटा। बाबा इजल कहाँ घूम रही हो आप? ये इधर की बॉल आ गई, इधर इसे खेलती है ना इजल। तुम क्या कर रही हो? आलू के पराठे सुबह सुबह नाश्ता में, देसी नाश्ता करा रही हूँ और लस्सी हो जाए तो इसके साथ लस्सी भी हो जाए। तो लस्सी बनने में कितना टाइम लगता है? मुझे ना आती है। चलो सही। इजल इसकी अलग वीडियो बना देना ना, अलग बात। छोटे सी अलग बनाऊं? हाँ। डिटेल्स बताऊं फिर? चलो फिर ये कर लेते हैं। सही है। 15 minutes later. So finally guys, after the breakfast जो है मैं हो चुकी हूँ fresh और अब मुझे यहाँ पे ड्रेसिंग करनी है, मेक ओवर करना है, ज्वेलरी वगैरह वेयर करनी है और फिर तैयार होके फटाफट निकलना है कहाँ पर, मिलाज शरीफ में ठीक है, क्योंकि रास्ता जो है ना हमारा जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा गेप पर है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो वहाँ पर भी टाइम लग जाना है बहुत ज़्यादा। नाश्ता हो चुका है, सफाई हो चुकी है, रेडी होना है और फिर लेट्स गो करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जो है चलते हैं ठीक है। आप लोगों ने फुल वॉच करना है क्योंकि बहुत इंशाल्लाह पसंद आने वाले आपको ये व्लॉग और व्लॉग्स की तरह। तो मेकअप ये रहा, ड्रेस वगैरह निकाल ली है, प्रेस कर ली है, बस रेडी होके अब आपसे मैं मिलती हूँ। One hour later. So now भाई यहाँ पर मैं जो है फटाफट रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट नहीं थोड़ा टाइम लगा था रेडी होने में ठीक है। अब फटाफट निकलते हैं क्योंकि अम्मी जो हमारा वेट कर रहे हैं ठीक है, निकलते हैं। थोड़ा रास्ता जो है हमारा दूर का है, लंबा है, तो उसमें टाइम लगेगा जाने में। इजल भी रेडी है, हम लोग निकलते हैं वहाँ पर और इंशाल्लाह फिर वहाँ पे आपसे मुलाकात करते हैं। सो स्टे कनेक्ट विद मी। चलो इजल आओ, पकड़ बेटा हाथ, चलो। सो लेट्स गो। Guys, finally, हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत लंबे सफर के बाद इनका घर और बहुत थकान हो गई है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, हम लोगों को चला नहीं जा रहा क्योंकि 5 मंजिला घर है ऊपर, बच्चे बोलेंगे थोड़ा रुक जाए यार, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ यार टांगों में दर्द हो गया मेरे तो, मेरे को। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और मिलाज शरीफ में अभी शुरू होने में थोड़ा सा टाइम है ठीक है। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें इतना ऊंचाई पे है कि चलते चलते ना हम लोगों की सांस फूल गई थी और ऊपर से बच्चे हाथ में, तो फिर मजीद और हालत भी कुछ कंडीशन ना खराब सी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं क्या बन के निकली थी और क्या क्या हाल हो गया। One eternity later. दिल मेरा ये कहता है लिख पता मदीने का, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, नजपाल के आमद मरहबा, तेरा मेरा मैं क्यों ना मना का या रसूल। टुकड़े हुए हैं, बीच में निशान भी है, एक टुकड़ा मशरिक में गिरा था, एक मगरिब में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली उठाई और ऐसे इशारा किया तो चांद आधा इधर और आधा इधर, पूरे अरब के लोग देखकर दंग हो गए कि ये क्या हाजरा कि नबी पाक ने दो टुकड़े भी कर दिए, क्योंकि यहाँ नबी करते थे इशारा और वहाँ रब कुन फयाकुन का मालिक। One hour later. इनको देखो ये तो लग रहा है ना।
नाच रही है देखो। लाइट चली गई क्या? हाँ शायद लाइट चली गई। खाने का इंतजार करते हुए मम्मी वगैरह ये लोग सब खाना खा रहे हैं। चलो So, भाई अब हम लोग जाने लगे हैं घर पे और माशाल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन रहा, सब कुछ बहुत मजा आया, खाना वगैरह मिला शरीर सब कुछ बहुत मजा आया। अब घर पे जाएंगे, सब रेडी है घर पे जाने के लिए, ये देखें ठीक है। ये जो है ये इंडिया मेरे व्लॉग्स देखती हैं और इनको बहुत शौक है व्लॉगिंग में आने का, है ना? आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स? अच्छा आपको व्लॉग बनाने का शौक है, चलो ठीक है व्लॉग बनाएंगे फिर, ठीक है डन। अच्छा जी और कुछ आप बोलेंगे? और मेरी चादर किसी तालीम में मुझे क्या बनाया हुआ, तुम लोगों ने पठान बनाया हुआ। चलो भाई चलते हैं, ठीक है आपके साथ मिलकर बहुत मजा आया, आप बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ठीक है आप लोग भी घर पे आइएगा इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो फाइनली गाइस इतने ज्यादा लंबे रास्ते के बाद बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो रही, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड, बल्कि वी आर वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो अब करती हूँ रेस्ट और ब्लॉगिंग का एंड। भाई आप लोगों को जो है ना मोनेटाइजेशन की डिटेल्स जो है इंशाल्लाह मैं अपनी दूसरी वीडियो में यानी कि अपनी अदर वीडियो में डिटेल्स समझाऊंगी कि मोनेटाइजेशन चैनल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह उसका आंसर मैं आपको डिटेल वीडियो में जरूर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी आ गई थी और रात में तकरीबन हम लोग 2 बजे या 1:30 बजे जो है घर पर आए थे, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपना व्लॉग का दी एंड जो है ना नेक्स्ट व्लॉग में करना चाहिए, तो आज मैं कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छा व्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह, पसंद आना भी चाहिए भाई, क्योंकि आई वेरी स्ट्रगल फॉर माई व्लॉगिंग फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर फैमिली। सो काइंडली यहाँ पर जो है सब्सक्राइब करके जाइएगा, इसके अलावा बहुत जल्द मुलाकात होगी एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक न्यू कंटेंट के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। yeah.